नमस्कार, निराला कंस्ट्रक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, घर बनाने के दौरान कभी कभी हम लोग के सामने ऐसा भी सिचुएशन आ जाता है कि एक ही दीवार में दो तरीके का ईंट इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब एक ही दीवार में लाल ईंट का भी प्रयोग करना पड़ता है कभी कभी, और फ्लाई ऐश ब्रिक का भी। ऐसा दोस्तों उस सिचुएशन में ज़्यादा होता है जब हमारा जो एस्टिमेशन होता है ईंट का वो थोड़ा गलत हो जाता है, ईंट कम पड़ जाता है, जो तो दूसरा ईंट होता है दोस्तों उसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग अपना घर बना लेते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसा सिचुएशन आप लोग के सामने आए कभी, तो आप लोग लाल ईंट को नीचे में जुड़ाई करवाएं और फ्लाई ऐश ब्रिक को ऊपर में, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फ्लाई ऐश ब्रिक को नीचे ही जुड़ाई करा देते हैं और रेड ब्रिक को उसके ऊपर। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी वैसा नहीं करना, आपको इसी तरीके से जुड़ाई करवाना है।